हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। और अभी आप जिस लड़के का फोटो देख रहे हो, सिर्फ 17 साल का है। और 17 साल भी बहुत ज़्यादा वाला हेयर फॉल है। और जब से लॉकडाउन लगा है तब से बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा बढ़ गया था इसका हेयर फॉल। और अभी सिर्फ 22-23 दिन हुए, इसके छोटे छोटे बाल भी आने शुरू हो गए, बेबी हेयर्स भी आने शुरू हो गए इसके रिसीडिंग हेयर लाइन में भी, और इसके पूरे सर में से बाल जा रहे थे। तो अभी तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो अभी इस लड़के का हमने चैनल भी स्टार्ट किया है कि हेयर ग्रोथ कैसे करें, क्योंकि ये सिर्फ 17 साल का लड़का है और ये हर वो चीज़ करता है जो हम इसको बोलते हैं। ये योग कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, आंवला भी हमने इसको बोला था तो इसने देखिए आंवले का मुरब्बा भी अपने घर पे बनाया है, और भृंगराज का पाउडर, मेथी का पाउडर, यानी जब जब जो जो चीज़ इसको बोली जाती है सब कुछ करता है। तो मैंने कहा यही एक राइट पर्सन है जिसका हम एक चैनल स्टार्ट करते हैं कि आपका हेयर फॉल हो रहा है तो आपको क्या क्या करना चाहिए, ये सब कुछ करके दिखाएगा। और इसका खुद बहुत ज़्यादा वाला हेयर फॉल है और बहुत कम उम्र में हेयर फॉल है। और इससे मिलते जुलते बहुत लड़के हैं, किसी का 15 से शुरू हो रहा है तो किसी का 20-22 से शुरू हो रहा है, सेम प्रॉब्लम है। और अगर आपको हेयर की प्रॉब्लम हो गई है तो हमने पहले भी बताया था, पहले भी वीडियो बनाया था कि ये एक जंग की तरह है, लड़ाई की तरह है, कभी आप जीतोगे कभी हेयर फॉल जीतेगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हैं, मेडिसिन पे ब्लेम डालते रहते हैं कि उसने ये बताया था, उसने ये बताया था, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो कोई भी मेडिसिन होती है हर बंदे पे अलग अलग असर डालती है, कईयों को तो बहुत जल्दी रिजल्ट मिलते हैं, कईयों को लेट मिलते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके सर पे हमेशा बाल टिके रहे तो खाली मेडिसिन के भरोसे बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो अभी हमने ये बंदा प्रिपेयर कर रहे हैं जिसको सब कुछ सिखा रहे हैं, ठीक है। इसको स्ट्रेस के बारे में, लाइफ कैसे जीते है, सबके बारे में सिखा रहे हैं, क्योंकि अभी तो ये पढ़ने वाला बंदा है। तो हमने बोला है इसको भाई कि सिर्फ आप पढ़ने पे ध्यान दो, आपके नंबर कितने आते हैं इस पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर अच्छा पढ़ोगे तो नंबर तो खुद ही खुद आएंगे। तो पास हो रहे हो फेल हो रहे हो उससे कोई मतलब नहीं, आप दूसरे से अच्छे से बात कीजिए। कोई आपको गाली दे रहा है, कुछ दे रहा है, उससे आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो उसका अपना पर्सनल मैटर है। क्योंकि जब कोई आपको गाली देता है तो आपका कब बिगड़ता है, जब आप स्ट्रेस लेते हैं कि भाई उसने मेरे को कैसे गाली दे दी, तो आपके शरीर के हार्मोन्स चेंज होने शुरू हो जाते हैं। तो हम धीरे धीरे, क्योंकि इतनी कम उम्र में, 17 साल की उम्र में अगर इसका हेयर फॉल हो रहा है, 17 साल की उम्र में हेयर फॉल हो रहा है, तो इसका बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि शरीर में कोई प्रॉब्लम है या तो इनके हार्मोन्स वगैरह बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं। तो इसका सबसे अच्छा इलाज तो आयुर्वेदा में ही है और योग में है। तो अभी तो योग मेडिटेशन दोनों करा रहे हैं जिससे हार्मोन्स एकदम बैलेंस हो जाए और पेट को ठीक रखने के लिए, क्योंकि आपकी आंतें जो होती है वही आपकी एक फैक्ट्री है, बायोटिन की फैक्ट्री है, वहीं पर जो मौजूद बैक्टीरिया होते हैं वही आपके लिए बायोटिन बनाते हैं। और आपका लीवर, इन सब का ख्याल रखोगे तो अपने आप ही आपके हेयर्स मजबूत हो जाएंगे, दोबारा से आ जाएंगे, तो कभी गायब भी नहीं होंगे। तो अभी इसका चैनल खोला है, 1-2 दिन में वीडियो आने शुरू हो जाएंगे इसके, तो उसका लिंक आपको देंगे, आप इसके वीडियो देखना। ये रियल टाइम आपको अपने हेयर ग्रोथ करके दिखाएगा। और क्योंकि हेयर ग्रोथ जो ऐसा नहीं है, अगर आपकी बाल वापस भी आ गए, आपने फिर से ढिलाई छोड़ दी तो फिर से चले जाएंगे। जैसे आप जिम जाते हो बॉडी बना लेते हो और 6 महीने में आपने बॉडी बनाई, फिर जिम जाना छोड़ देते हो तो 2 महीने में पहले जैसी शेप में आ जाते हो। तो सेम ऐसे ही हेयर फॉल हो रहा है इस टाइम लड़कों का, लड़कों की बात कर रहे हैं, लड़कियों का तो एक बार ठीक हो जाता है तो नॉर्मली रिपीट होता नहीं है, लेकिन लड़कों में कम उम्र में जो होना शुरू हो जाता है उसमें ज़्यादातर 90% यह चांस होता है कि वो रिपीट मारेगा। अगर आप में कुछ भी कमजोरी दोबारा से हुई तो वो फिर से रिपीट मारेगा। तो इसमें क्या है, आपको ज़रूरी नहीं मेडिसिन लाइफ लॉन्ग लेनी है, लेकिन आपको जो अपने लाइफस्टाइल है इसको, लाइफस्टाइल को चेंज करना है, ठीक है। अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लेंगे अच्छे खाने की, और डेली 10 मिनट, ये नहीं है कि आपको घंटे भर जिम में जाना है, 10 मिनट आप योग मेडिटेशन करिए, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपके हेयर भी अच्छे रहेंगे। और इस बंदे की आप कंडीशन देख लो, ये आपके जैसा ही एक लड़का है और ये हमारे चैनल देखता था, तो इसने सब कुछ करना शुरू किया, आंवले का मुरब्बा बना लिया, फ्रूट देख लीजिए इसके फ्रूट, ये सब कुछ खाता है, ठीक है। इसने जो कुछ भी है इसने खुद से, ये भृंगराज का पाउडर देख लीजिए, ये भृंगराज का पाउडर भी ले रहा है।
तो सब कुछ ये कर रहा है और इसके बाल नहीं आएंगे आएंगे तो फिर किसके बाल आएंगे, ठीक है। और ये पॉजिटिव भी बंदा काफ़ी है, सीखने की इसके अंदर इच्छा रहती है, जो बोलते हैं उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो ये एक ऐसा चैनल खुलवा रहे हैं हम आपके लिए, एकदम रियल टाइम रिजल्ट आएंगे इसके, मतलब रियल टाइम दिखाएगा कि आज मेरा देखो इतना इम्प्रूवमेंट हो गया, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। और रियल टाइम ही अगर इसके बालों में कोई प्रॉब्लम हो रही है, दोबारा से बाल नहीं आ रहे, दोबारा से गिरने शुरू हो गए, तो जैसा भी रहेगा आपको एकदम रियल टाइम दिखाई देगा जिन चीज़ों से आप भी जूझ रहे हो, ठीक है। आपके साथ सेम चीज़ हो रही है वही उसके साथ हो रही है, तो वो उससे कैसे फाइट कर रहा है ये आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। तो आप चाहो तो ये आप खुद भी करके देख सकते हो। अभी तो सुबह सुबह डेली सुबह सुबह जो है आप ऐसे थोड़ी देर, आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना, आपका स्ट्रेस हार्मोन सब अच्छे से हो जाएगा। अच्छी नींद लेनी है, प्रॉपर नींद लेनी है, टेंशन किसी बात की नहीं लेनी, ठीक है। आप दुनिया में हो नहीं हो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो फिर टेंशन किस बात की है, ठीक है। अगर आज मैं हूँ कल को मैं ही ना रहा हूँ तो तब भी सूरज तो निकलेगा ही ना, सब लोग अपना काम करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो किसी चीज़ की टेंशन मत रखो, सबसे पहले आप अपनी बॉडी का ख्याल रखो। बॉडी का ख्याल रखोगे तो ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर जितनी भी चीज़ें अपने आप सब सही से वर्क करेंगी, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।